हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में और उसका एग्जांपल भी देखेंगे, और उसके साथ ब्रेक जो स्टेटमेंट हमने देखा था उसको मैं और एक बार आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के वीडियो थोड़े से अलग से होने वाले हैं। पहले मैं आपको ये इसका कोडिंग एग्जाम्पल समझाऊंगा अच्छे से, और उसके बाद से थियोरिटिकली थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा और बताऊंगा कि क्या होता है चीज़, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो पिछले जो भी सारे वीडियो थे उस पर आपको थ्योरी पहले ज़रूरत होता था, पर अभी के बाद से जो भी वीडियो आएंगे तो उसमें मैं पहले ट्राई करूँगा कि आपको कैसे अच्छे से समझना है, आप कैसे अच्छे से समझ पाओगे। अगर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी का जो ये नोट होता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वैसे भी। ओके, और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, नहीं तो वेबसाइट को भी विजिट करते रहो, उधर मैं कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ दिन ब दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंटिन्यू का मीनिंग जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं, उसके बाद से कंटिन्यू चलता रहेगा। और ब्रेक का मतलब हमने समझ लिया था कि ब्रेक मतलब अगर लूपिंग चल रहा है तो आप ब्रेक यूज करोगे तो उधर ही ख़त्म हो जाएगा लूप, और डायरेक्ट आउटपुट जो लास्ट तक प्रोग्राम के जो एंड होते हैं उसके एंड तक पहुँच जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू एक उसी टाइप का चीज़ होता है, पर इसको पहले मैं आपको कोडिंग बताऊँगा, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ेंगे और आपको ये नोट में प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा सिर्फ सिंटैक्स को देख लेते हैं। अगर आपको ये लूप के अंदर आप ये यूज कर सकते हो, या कहीं पे भी आइटरेशन चलता है जो भी मतलब केस में आप उधर यूज करते हो। अगर व्हाइल लूप चल रहा है तो कोडिंग सेक्शन एक आता है और उसके अंदर के पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद अगर इधर हम यूज करते हैं कंटिन्यू कैसे, इफ़ एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, एक्सप्रेशन मतलब ये वाला फंक्शन अगर ट्रू आया, इसका वैल्यू ट्रू आया तो कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करो, और कंटिन्यू एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, इसके बाद से जो कोडिंग था ना, ये वाला जो कोडिंग सेक्शन था ये एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट, और एक बार लूपिंग तक चला जाएगा। कंटिन्यू का मीनिंग सिर्फ इतना ही है। फॉर लूप में भी उसी टाइप का है, ये सिंटैक्स होता है। ओके, आपको अगर एग्जाम पे लिखना पड़ गया कि सिंटैक्स क्या है बताओ तो आप इसको ही लिखोगे। फॉर लूप पे ऐसे आइटरेशन ये होता है, इनिशियलाइजेशन ये पार्ट होता है, और ये कंडीशन पार्ट होता है, और ये जो अपडेट होता है जो वैल्यू हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो ये कोडिंग पार्ट होता है। अगर कंडीशन ट्रू निकल आया तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, तो मतलब इसके नीचे के बाद और प्रिंट मत करो, ये एग्जीक्यूट मत करो डायरेक्ट, और एक बार फॉर लूप को चला लो। मतलब ब्रेक का मतलब होता है क्या, ब्रेक का मतलब उधर ही प्रोग्राम के लूप को एग्जिट मार दो, उधर ही प्रोग्रामिंग के कोडिंग को तोड़ दो, और प्रोग्राम के जो पार्ट होते हैं सेक्शन होते हैं लूप के पार्ट उससे बाहर निकल आओ और दूसरे काम करो। कंटिन्यू का मतलब है सिर्फ उसी टाइम पे, एक ही टाइम पे जो प्रोग्रामिंग का कोडिंग होता है उसको ब्रेक कर दो और एक बार लूप को चलाओ। मतलब कि ब्रेक आप कभी यूज करोगे, जब पूरा का पूरा टोटली लूप से बाहर निकलना हो तभी आप यूज करोगे ब्रेक। और कंटिन्यू कब यूज करोगे, जब आपको सिर्फ कुछ आइटरेशन मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट का जो लूप को बंद करना है, मतलब मान लो आपको 1 to 10 तक प्रिंट करवाना है, मगर आपको 7 नंबर स्किप करना है तो क्या करोगे, तो 7 इफ कंडीशन पे क्या लिखोगे, नम इक्वल टू 7 देन कंटिन्यू कर दो, तो 7 नंबर प्रिंट नहीं होगा, उसको वाला चीज़ स्किप हो जाएगा और दूसरी चीज़ फिर से कंटिन्यू करके चलता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। तो 1 to 10 प्रिंट हो गया, 7 एग्जिट हो गया, 7 को एलिमिनेट इग्नोर कर दिया गया जो इसको बोलते हैं। ओके, इस टाइप के कंटिन्यू काम करते हैं। तो इसका कोडिंग एग्जांपल पहले समझते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, और थ्योरी तो आप अपने आप में पढ़ के ही समझ जाओगे। ओके, तो ये लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट जाके इसको कोडिंग करते हैं और उधर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो चलो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आ गया हूँ लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और एक फाइल बना लिया हूँ continue.c करके, अभी आप ऊपर देख सकते हो, और इधर हम समझेंगे कि कंटिन्यू कैसे काम करता है, हम कैसे कंटिन्यू को यूज करके हमारा कोडिंग को लिख सकते हैं, और कहाँ पर उसको यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, आपको वही चीज़ सिर्फ जानना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गया या एग्जाम में पूछ लिया या कहीं पे इंटरव्यू पे आपको पूछ लिया तो आप बता सकते हो कि भाई साहब कंटिन्यू को इधर हम यूज करते हैं और इसलिए यूज करते हैं और ऐसे यूज करते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे कि कंटिन्यू क्या होते हैं। तो मैं जो कोडिंग लिखा हूँ नोट पे उसको ही इधर पूरे के पूरे उठा के लिख लेता हूँ पहले,
ताकि मतलब आपको, मैं जो कोडिंग आपको समझा रहा हूँ वही चीज आपको नोट पे मिल सके, तो आप बाद में रिकॉल कर सकते हो, याद करके लिख सकते हो। ओके, मैं जल्दी से कोडिंग को लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा। तो चलो, मैं पूरे के पूरे जितने भी कोडिंग थे हमारे, एग्जाम्पल मैंने इधर लिख लिया है, और ऊपर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये है और ये उसका कोडिंग है। पहले तो हमने कंटिन्यू क्या करना है कि हमको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके हमको 10 तक प्रिंट करवाना है। पर उधर हमको और क्या चीज करना है और स्किप करना है, मैंने आपको बताया था कंटिन्यू हम यूज करते हैं एक पॉइंट पे, प्रोग्राम के जो लूपिंग होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्किप करने को, हम जहाँ पे कंडीशन लगाएंगे उसी पॉइंट पे वो स्किप हो जाएगा। तो स्किप हम इसको क्या स्किप करेंगे, हम 5 नंबर को सिर्फ स्किप करेंगे, मतलब 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा और 5 बीच में स्किप हो जाएगा, इसका मतलब यही है। तो पहले इसको रन करके देखते हैं कि पहले हमारा कोडिंग कैसा चलता है और आउटपुट क्या देता है हमको। ओके, तो इधर देखो 0 1 2, तो ये 10 तक नहीं गया और 0 से प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है 0 से, क्योंकि हमने इधर पूरे के पूरे 0 से स्टार्ट किया है, तो ये 0 से प्रिंट हो रहा है। तो हमको इधर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको ये इधर जो प्रिंट करवाते वक्त आई नहीं लिखना पड़ेगा, i+1 लिखना पड़ेगा। अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट इस पे आई ही लिख सकते हो, और इधर इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इस वाली चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, दूसरी बार रन करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ हमको संभालना है, सुधारना है। ओके, तो बहुत लेट रनिंग हो रहा है, प्रोग्रामिंग कोडिंग क्यों हो रहा है पता नहीं मुझे, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है आजकल, पिछले वाले वीडियो में भी बहुत स्लो चल रहा था। तो 1 2 3 4, इधर 4 स्किप हो रहा है। ओके, मैंने इधर इक्वल टू 4 लिखा था, तब क्यों लिखना था, जब 0 था। तो अभी हम लिखेंगे 5, और मुझे और एक चीज करना है इधर, अभी अभी सही है, पूरी की पूरी कोडिंग हमारा सही है। तो ये देखो इधर मैं आपको बता रहा था, 1 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये 1 2 3 4, 5 नहीं है इधर, याद रखो 5 इधर पे नहीं है, 6 7 8 9 10। तो ये क्यों ऐसा आ रहा है, 5 कैसे स्किप हो गया। इधर मैं आपको कोडिंग पे थोड़ा सा बताता हूँ कि कोडिंग पे क्या चीज़ हम ऐड किए हैं। ओके, इसको थोड़ा सा करते हैं साइड पे। अगर मैं इसकी बाद जो इफ आई इक्वल टू 5 है इसको हटा दूँ, पहले इसको हटा के ही देखते हैं कि चलता भी है या नहीं, या मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। तो देखो, अभी देखो ये दूसरा वाला कोड को मैं एग्जिट करता हूँ पहले, और सिलेक्ट करके कभी रन मत करना, नहीं तो टेम्प्रारी फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा और कोडिंग चलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 इधर अभी आ गया देखो, और जब हम 5 को हटाएंगे, मतलब इस वाले चीज़ को जब सही करेंगे, तो और एक बार रन होगा, 1 2 3 4 5 नहीं है, 10 तक रन हो गया। इसका चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। तो देखो, आई से स्टार्ट हुआ, ये आई से स्टार्ट हुआ, इतना जूम कर रहा हूँ शायद आपको दिख रहा है, और जो गया 10 तक और i++ हुआ, इसका मीनिंग है हमको 1 से स्टार्ट हो गए 10 तक प्रिंट होके मिल जाएगा। ओके, तो इसके अंदर कंटिन्यू ये एक स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट कब यूज होता है, जब आपको किसी पॉइंट पे, जब एक लूपिंग चल रहा है, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कुछ कंडीशन लगाना है और उसी पॉइंट को स्किप करना है, उसी पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे लूपिंग को फिर से चलाना है, तब आप यूज करोगे कंटिन्यू। ओके, उसको बोलते हैं कंटिन्यू कर जाओ इधर से प्रोग्राम को, जब ये वाला कंडीशन मीट हो जाए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तभी हमारा प्रोग्राम को उसके बाद से जो भी लिखा है ये वाले चीज को स्किप कर दो, और दूसरे और एक बार फॉर लूप को चलाओ, जब तक सेटिस्फाई ये करता रहेगा तब तक चलाते रहना। अगर हम इधर कंटिन्यू के बदले क्या लगाएंगे, अगर हम इधर कंटिन्यू के बदले लगाएंगे ब्रेक, तो अभी देखो प्रोग्राम क्या रन होता है। ब्रेक लगाएंगे तो 1 2 3 4 सिर्फ रन हुआ, क्यों रन हुआ, क्योंकि ब्रेक अगर हो गया
तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होके ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये तो रन होता है, आई प्लस प्लस होता है, तो फाइव तो कभी ना कभी बनेगा, आधे जब होगा फाइव बनेगा, तब हमारा क्या होगा, प्रोग्राम ब्रेक हो गया, लूप हमारा ब्रेक हो गया, टूट गया, और संपर्क टूट जाता है तो पूरे के पूरे सब कुछ बिखर जाता है इस टाइप का। ये नीचे से जो भी है और कभी रन नहीं होगा, डायरेक्ट ये लूप भी बंद हो जाएगा। अगर उसके बाद से कुछ दूसरा चीज होगा तो ही प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो इधर मैं एक लिख दूंगा, क्या प्रिंट एफ लिख दूंगा, डन, ओके डन लिख दिया। तो अभी देखो चार के बाद होके कुछ छोड़ दिया है, ये सेमी कलन इधर छोड़ दिया हूँ, यार ये गलती बहुत होता है आजकल। तो देखो ये चार प्रिंट होके नीचे देखो, थोड़ा सा चार प्रिंट होके आपको दिख रहा होगा नीचे डन लिखा है इधर पे, ओके। तो ये सारे के सारे कंटिन्यू होते हैं, ब्रेक होते हैं। ब्रेक आप कब यूज करोगे, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी टाइम पूरे के पूरे लूपिंग टूट जाएगा और आपका कोडिंग आपको उसी टाइम रुक जाएगा, उसी सेक्शन का प्रोग्राम रुक जाएगा, और दूसरे अगर नीचे होगा तो रन होगा, अगर नहीं होगा तो आउटपुट दे देगा। और ये होता है ब्रेक होता है। और कंटिन्यू कब यूज करोगे, कंटिन्यू आप यूज करोगे कब, जब आपको सिर्फ उसी पार्ट, मतलब ये अगर कंडीशन अभी सेटिस्फाई हुआ तो उसी पार्ट को सिर्फ स्किप कर दो और बाकी जैसे चलता रहे उस टाइप के चलता रहो, इस टाइप के कंटिन्यू यूज करके हो। तो मैंने आपको बताया कि लूपिंग क्या होता है थोड़ा सा अभी समझा दिया, और इधर ब्रेक कैसे यूज करोगे अच्छे से क्लियर कर दिया, कंटिन्यू भी कैसे यूज करोगे अच्छे से क्लियर कर दिया। अभी हम चलेंगे फिर से नोट के ऊपर, और अभी हम थ्योरी को पढ़ेंगे और अपने आप में आप समझ जाओगे अपने आप से ही, क्योंकि मैंने आपको लूपिंग क्या होते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, पूरे के पूरे कोडिंग क्या होते हैं पिछले सारे के सारे वीडियो में इतना अच्छे से बताया है कि आपको अगर थ्योरी भी पकड़ा दूं तो आप समझ जाओगे, ओके। तो चलिए नोट के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं और थ्योरी को पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी कोडिंग करके लैपटॉप पे कि कैसे आप यूज करोगे कंटिन्यू को, ब्रेक को, दोनों को। तो ये क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 एक्सेप्ट 5, 5 को स्किप करोगे। तो इधर थोड़ा सा गड़बड़ी लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है, थोड़ा सा गड़बड़ी है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट निकलेगा क्या, ओके। नीचे कमेंट करके बताना है इस वाले प्रोग्रामिंग का आउटपुट क्या निकलेगा, और थोड़ा सा देख लो, अगर हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लाओ, ले जाओ, स्क्रीनशॉट लेके भी नीचे बताना कि क्या निकलेगा आउटपुट। और इधर होमवर्क दिया है, राइट डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस लिखो, आप नीचे कमेंट करके लिख लेना, तीन तीन पॉइंट लिखना, नहीं तो दो दो पॉइंट लिख दो तो भी चलेगा, ओके। और नोट एक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छे से समझने के लिए आपको हर बार प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं डेली का डेली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और कोडिंग भी अपलोड कर रहा हूँ, वेबसाइट अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा ही प्रैक्टिस हो रहा है, और मैं मेरा जो एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग भी सीख रहा हूँ तो मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो हर दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो। मैं जब BSc कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, मेरा फर्स्ट ईयर था या सेकेंड ईयर था, मैं थर्ड ईयर तक भी हर दिन दो प्रोग्रामिंग करता था, पता नहीं मैं ज़्यादा भी करता था पर कभी कम नहीं करता था, दो तीन करता था। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है। तो थ्योरी की बात मैं कर रहा था, इतना अच्छे से समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको थ्योरी भी मतलब समझाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ ये स्क्रीन के ऊपर, आप खुद ही देख लो कि आपको थ्योरी पे क्या लिखा गया है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं और इसके बारे में लिखा गया है डेफिनेशन। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना नोट पे, ओके आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको वेबसाइट पे भी मैं अपडेट कर दूंगा, उधर भी मिल जाएगा। और हो सके तो आपको ये इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पिक्चर उठा के ये वाला सेक्शन आज अपलोड कर दूंगा, एक बार आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा आज के लेक्चर जो भी देख रहे हो। और द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज विद द इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स के अंदर हम कंटिन्यू को यूज करते हैं। आप चाहो तो ब्रेक लगा, ब्रेक को आप कहीं पे भी यूज करते हो, जैसे आप जो होते हैं ना, जो केस जो होता है स्विच केस होता है, आप उधर ब्रेक को यूज करते थे, और कंटिन्यू का आप इफ एल्स ज़्यादातर यूज करते हैं, मतलब काम पे जहाँ पे आता है इफ एल्स के अंदर यूज करते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो तभी कंटिन्यू कर दो और उसी पार्ट को स्किप कर दो, इस टाइप के चीज़ होते हैं। और सिंटैक्स तो यही है, और एक बार इसको दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नोट पे लिखना है तो एग्जाम पे आएगा ज़रूर, ओके। और फ्लो डायग्राम, छोटी सी जगह बची थी तो मैंने फ्लो डायग्राम ऐसे ही बना लिया। लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर कंडीशन नहीं हुआ तो लूप का रिमेनिंग पार्ट चलेगा,
अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उसी चीज़ कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब स्किप हो जाएगा, फिर से लूप चलेगा। जब तक कब तक चल गया, जब तक फॉल्स नहीं होगा। तो इस टाइप से काम करता है ये कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट, और ब्रेक वाला स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर ये वाले वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर समझ आया है, थोड़ा बहुत भी समझ आया है ना, तो हिम्मत मत हारना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, और मुझे कॉन्टैक्ट में रखो यार। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब के नीचे कमेंट भी करो, और मैंने अपना पोर्टफोलियो भी अभी अपलोड कर दिया हूँ, और पोर्टफोलियो भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मतलब मैं आपको खुद जाके उधर रिप्लाई करूँगा। तो कितनी अच्छी सी बात है, आपको एक मेंटर मिल जाएगा। और अगर मैं भी नहीं हूँ तो मेरे टीम में जो भी है, दो बंदे मेरे साथ और भी मतलब कनेक्शन में हैं, उनको भी मैं बोल दूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई सा भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड कुछ ही प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है उधर दबा देना, और आपके फ्रेंड को भी बताओ या दोस्त को भी बताओ जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी बता ले लिस्ट, उसको सजेस्ट करो, और उसको भी थोड़ा सा पता चले कि मतलब नोट के हिसाब से आपको पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है और क्या चाहिए। ओके, इतना ही बोलना है, तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।